हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है सी 2023 का जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें लगभग ग्यारह लाख सत्ताईस हज़ार के आसपास फॉर्म भरे गए थे उसमें से दो लाख ,00 जनों ने एग्ज़ाम दी यानी दो से ढाई लाख ,00 जनों ने एग्ज़ाम दिए फ्रेंड्स सात और आठ जनवरी दोनों के मिलाकर इतने जनों ने एग्ज़ाम दिए फ्रेंड्स जैसे कि सेफ स्कोर के पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में तो लगभग 182 190 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि इसके बीच में आपकी कट ऑफ़ रहेगी उसके बाद ओ की बात कर लेते वन सेवेंटी टू यानी आपके अगर 170 प्लस बन रहे हैं तो आप ओ में एकदम सेफ़ हैं आपकी कट ऑफ इसके बीच में ही रहने वाली है एम में 160 सिक्सटी टू वन एस सी में वन फिफ्टी फ़ाइव टू वन सिक्सटी फ़ाइव और एस में आपसे एक सौ से एक सौ साठ के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी फ्रेंड्स ये तो ऑल ओवर दोनों पेपर को मिला के बात कर रहा हूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है आपकी इसलिए ये आपको अगर आपके इतने बन रहे हैं तो तो आप मान के चले कि आपके कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे दो लाख जनों ने एग्ज़ाम दी है तो फ्रेंड्स अब आप कैसे पता चलेगा कि कितने क्या रहेगा तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता था कि फ़र्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम थी यानी सात जनवरी में सात जनवरी का जो एग्ज़ाम था उसमें थोड़े लेंदी और बड़े बड़े क्वेश्चन थे जबकि आठ जनवरी को वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे जैसा कि आपको पता है कि आठ जनवरी जो जो शिफ्ट थे उसमें क्वेश्चन तो वन लाइनर थे लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन बनाया गया था एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कॉपी राइट करके दिया गया था सभी क्वेश्चन बनाए गए थे और उसमें मेहनत भी थी फ्रेंड्स तो यानी कि जो आठ जनवरी के जो पेपर हुए थे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट उसमें भी फर्स्ट से फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके लगभग पंद्रह से बीस नंबर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरी जांच पड़ताल के बाद बोल रहा हूँ कि फ़र्स्ट शिफ्ट में आपके जो आठ जनवरी की थी उसमें आपके पंद्रह से बीस नंबर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आपके डेढ़ सौ प्लस भी बन रहे हैं तो भी वो सेफ स्कोर माना जाएगा change